Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Arjun Study Success Point. Hello students, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल Arjun Study Success Point पे बहुत बहुत स्वागत है. और स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग घर पे बैठे हमारे साथ जुड़कर आराम से पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पूरे घर पे सब सेफ होंगे और आराम से हमारे साथ पढ़ रहे होंगे. नाउ जो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये थे साइंस पढ़ रहे थे. आपको जैसा भी पता है फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हम लोग उसमें हम लोग पढ़ लिए थे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े थे, व्हाट इज क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फिर उसकी क्या क्या थी प्रोसेस हम लोग उसमें पढ़े थे. तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ लिए थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स पढ़ लिए थे मेथड. ठीक है बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे सोइंग के बारे में, मतलब बीज बोना. अब जो पहले तो हम मिट्टी तैयार कर लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिए, तो देन उसके बाद हम लोग बीज बोएंगे किस तरह से, उसके बारे में हम लोग का पढ़ना था. ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग को देखो है, हम लोग जो वही फिर पढ़ेंगे आज जो है बीज कैसे बोते, किस तरह से उसे बीज बोने का अलग अलग मेथड हो गया, फिर आके उसके बाद हम लोग उससे पर मैनुअर्स एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो सो ऑन. सो जो आज की क्लास है फिर हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो हो गया स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो था बच्चों सोइंग के बारे में, सबसे पहले सोइंग होता क्या, हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि सोइंग क्या होता है. तो सोइंग क्या होता है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ सीड ऑन द अर्थ आफ्टर द सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर कल्टिवेशन इज टर्म एज सोइंग. यानी कि जो क्या होता है बच्चों, सोइंग जो होता है स्टूडेंट, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑन द सॉइल इज प्रिपेयर्ड कल्टिवेशन इज नोन एज सोइंग. इसका मींस ये हुआ बच्चों, मींस ये हुआ कि अब बीज को जमीन पे भी खेरना, यानी कि डालना. जब हम मिट्टी तैयार कर लेंगे तो जब तक हम बीज डालेंगे नहीं, हमारा फसल तैयार कैसे होगा. ओके स्टूडेंट, तो वही होता है स्कैटरिंग ऑफ सीड ऑन द अर्थ आफ्टर सॉइल इज कॉल्ड सोइंग. उसी को हम लोग सोइंग बोलते हैं. ये जो होता है बच्चों, ये जो होता है स्टूडेंट, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्लांट कैन. यानी कि जो ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का, क्योंकि हम जब तक सीड्स बोएंगे नहीं तो हमारा जब तक प्लांट्स तैयार कैसे होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है प्लांट्स कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट सीड्स. यानी कि बिना बीज का प्लांट्स तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, जन्मेगा नहीं. ठीक है, अब इस तरह से इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टाइप्स ऑफ सीड्स ओन डिसाइडेड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स दैट वुड कम आउट. यानी कि जो सीड का टाइप्स होता है ना बच्चों, जो सीड का टाइप्स है वो डिसाइड करता है क्या कि किस टाइप्स का क्रॉप्स, यानी कि कैसा फसल होगा. अगर जो हम अच्छा बीज बोएंगे तो फसल हमारी अच्छा होगा, और जो हमारा बीज ही सही नहीं था तो हमारा फसल भी अच्छा नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या था. तो सबसे पहले देखो क्या था स्टूडेंट्स, सबसे पहले है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड भी ऑलवेज सोन. ठीक है, हमेशा हम लोग जो अच्छे क्वालिटी का जो सीड बीज होता है हमेशा वो इसी को बोते हैं. ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड क्लीन हेल्दी एंड हाई यील्डिंग कैपेसिटी. यानी कि जो गुड क्वालिटी जो होता है ना सीड्स, यानी कि बीज का जो अच्छा क्वालिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए और हाई यील्डिंग कैपेसिटी उसकी होती है. ये जो कैन इजिली डिस्टिंग्विश, ठीक है, ये आसानी से डिस्टिंग्विश कर जाता है, ठीक है, फ्रॉम द बैड वंस. ठीक है, और उसके साथ अच्छे से मिल जाता है. वंस पुट द वाटर, यानी कि हम उसे देखो, अब जैसे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अच्छा क्वालिटी का सीड है या नहीं, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, उसमें क्या होता है, हम कुछ बीज लेते हैं उसे पानी के अंदर डालेंगे. देखो, वंस पुट आउट द वाटर एंड लेफ्ट सम टाइम्स अ डैमेज सीड बीन लाइट एंड हॉलो वुड फ्लोट और पानी के ऊपर आ जाएगा. यानी कि देखो क्या बता रहे थे बच्चों, ये था कि अगर जो हम कुछ सीड लिए उसे पानी के अंदर डालेंगे तो कुछ उसमें से जो डैमेज सीड होगा ना, जो हल्का सी वो ऊपर आ जाएगा और जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा. तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो अच्छा क्वालिटी का सीड्स क्या है और बैड क्वालिटी का सीड क्या है. तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे. देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी करके इस तरह से बता रखा है. ठीक है बच्चों, आई होप कि देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं. देखो यहाँ पे आपको कुछ नीचे दिख रहा होगा, ये येलो पार्ट्स और कुछ ऊपर का पार्ट दिख रहा है. तो ये जो हल्का था ये जो है डैमेज सीड है, और जो नीचे सेटल हो गया ये गुड क्वालिटी ऑफ सीड है. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स क्या था. ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप ये भी समझ गए. अब देखो मैनुअल, अब हम ये तो बीज अब चूज कर लिए, अब जब बीज हम चुन लिए तो उसे खेत में डालते कैसे, तो उसका बहुत सारा मेथड होता है. ठीक है, एक तो मैनुअल सोइंग द सीड इन्वॉल्व्स टाइम. अब देखो इसका बहुत सारा मेथड होता है कि हम लोग अब डालते हैं किस तरह से सीड. ठीक है बच्चों, तो एक तो होता था मैनुअल सोइंग सीड इन्वॉल्व्स टाइम एंड लेबर्स. अब देखो जो मैनुअल्स होता है ना, जब हम ऐसे जो हाथ से डाल रहे हैं बीज,
तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट लगेगा, क्योंकि जो ज्यादा कैपेसिटी में लैंड है। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट का यूज करते हैं। इक्विपमेंट मतलब हुआ हम कुछ ऐसा इस तरह से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, जो कि इक्विपमेंट लाइक जैसे ड्रिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग देख रहे होंगे, इक्विपमेंट्स लाइक ड्रिल हेल्प द ग्रोइंग ऑफ द सीड यूजिंग ट्रैक्टर के नाम से। अब कुछ इसका एडवांटेज है, देखो अब हम डायग्राम भी दिखा रहे होंगे आपको। ये जो हमारा है ड्रिलिंग, ये ड्रिल मेथड है जिसके बाद से हम जिसके थ्रू हम लोग सीड डालते हैं ट्रैक्टर में लगा होता है। यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स जो है, ये जो हमारा टैंक है इसके ऊपर हम लोग बीज जो भी होता है डाल देते हैं। और यहाँ जो हरे की जो है ना, ये नीचे यहाँ पे पाइप लगा होता है और इसके थ्रू हमारा बीज जाते रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मॉडर्न मेथड। कुछ यहाँ पे आपको हम ये भी बता देते हैं, ठीक है, कि टेक्निक मेथड अब हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल्स है कि पहले के जमाने में हम लोग किस तरह से टूल्स को यूज करते थे। ओके बच्चों, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पहले के जमाने बैल हल से चलाते थे। यहाँ पे भी टैंक होता था, देखो इस तरह से लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे बीज डाल देते थे, थोड़ा थोड़ा अपने आप गिरते रहता था जब ये चलते रहता था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल थोड़ा डिटेल में भी पढ़े थे। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि पहले के जमाने में हम लोग इसका यूज करते थे। देखो ट्रेडिशनल मेथड ये हो गया टूल्स बीज बोने का, द टूल्स यूज टू ट्रेडिशनली फॉर सोइंग द सीड्स इस शेप लाइक फनल। फनल आप देखेंगे, फनल में समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, ये फनल का शेप में होता है और जो सीड उसके हम अंदर भर देते थे और धीरे धीरे दो दो तीन तीन पाइप के थ्रू से और धीरे धीरे गिरते रहता है सीड, ठीक है, पाइप के माध्यम से। ओके स्टूडेंट, आई होप ये ट्रेडिशनल मेथड आप लोग समझ रहे होंगे सीड का। आफ्टर देन जो था स्टूडेंट, हम आफ्टर देन जो हम बता रहे थे आपको, ये जो था इक्विपमेंट, ये जो था ड्रिल, यानी कि अभी के एडवांटेज में हम लोग कर रहे थे ये ड्रिल से। तो ड्रिल क्या, अब इसका क्या क्या कुछ क्या क्या एडवांटेज है हम लोग ड्रिल से एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड के कम्पेयर में, इसका क्या एडवांटेज है कि हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले तो क्या आता है, सो सीड्स इन यूनिफॉर्म डिस्टेंस। अब जैसे एक पाइप यहाँ पे लगा हुआ, एक पाइप यहाँ पे लगा हुआ, एक पाइप यहाँ से लगा हुआ, ठीक है बच्चों, तो अगर जो ट्रैक्टर इस तरह से चलेगा तो ये क्या, ये इसके इसके बीच का क्या यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, फिर इस तरह से इसके बीच का दूरी एकदम बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे बीज हम लोग जब बोते हैं ना, तो दो बीज के दूरी जो होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। तो आगे जाके क्या होता है, जब दूरी दूरी यूनिफॉर्म होता है तो पेड़ दूर दूर पे होता है, तो थोड़ा उसे प्रॉपर सनलाइट मिल पाता है रूट्स को और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसे प्रोवाइड हो पाता है, तो जो कि फसल अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस पे हम लोग इसका यूज करते हैं। आफ्टर देन जो था स्टूडेंट्स, ये है प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बींग इटन बाय बर्ड्स। ये जो बीज वगैरह को क्या होता है, ये बच्चा प्रोटेक्ट करता है किससे, वर्ड्स को खाने से, इस मेथड से। नहीं तो कुछ बीज ऊपर ही हो रह जाता है, मान लो मैसे डालेंगे ट्रैक्टर के थ्रू अंदर जाता है उसका, और इस वजह से वर्ड्स को जैसे कुछ बीज तो खा जाते पक्षी, तो उसे बचाता है। आफ्टर जो था ये सेव टाइम, यानी कि समय भी ये क्या करता है बच्चों, सेव करता है, बचाता है, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमन लेबर भी बचाता है। अब जैसे हमें बीज बोने के लिए अलग से हम लोग लेबर रखे हुए हैं, अगर जो इसमें हम ट्रैक्टर में यूज करें, साथ साथ हमारा प्लॉइंग भी हो रहा है, यानी कि खेत का जुताई भी हो रहा है और साथ साथ बीज भी बोते जा रहा है, साथ में हम लोग बोते जा रहे हैं, तो हमारा जो ह्यूमन लेबर कॉस्ट होता है ये भी बचाता है। तो ये कुछ एडवांटेज था ड्रिल का ट्रेडिशनल मेथड के कंपेयर में और मैनुअल के कंपेयर में स्विंग ऑफ सीड्स में। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या था। ओके स्टूडेंट, यहाँ आपको देखो दोबारा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट, कि किस तरह से होता है ये ड्रिलिंग मेथड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट जो हम लोग आप पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग देखो पढ़ेंगे उसके बाद, अब जैसे बीज जब डाल दिए स्टूडेंट्स, जब बीज डाल दिए तो उसका मैं अब हम लोग खाद वगैरह भी डालेंगे, क्योंकि अब देखो हमें खाने, हम खाना खाते हैं, हमें ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए, खाना चाहिए। तो इसी तरह से प्लांट को भी बढ़ने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खाना। तो उसी के जगह से ग्रोथ के लिए हम लोग मैन्यूअर और फर्टिलाइजर डालते हैं, क्या मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। अभी आपको हम डिफरेंस भी एक बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूअर एंड द फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर और मैन्यूअर के बीच में क्या डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आपको हम उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले तो क्या होता है बच्चों, क्या इसका हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मैन्यूअर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, जो मैन्यूअर्स होता है, मैन्यूअर जो होता है, इट इज वेरी, देखो एप्लीकेशन हम इसका जरूरत क्यों पड़ता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिच द सॉइल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, दिस इज व्हाई मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। यानी कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, अभी हम आपको समझाए, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है ये सॉइल का ग्रोथ के लिए, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो फसल का उपजाऊ जो होता है ना उसका ये बढ़ाता है, उसे बढ़ाता है मैन्यूअर और फर्टिलाइजर, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं।
मैनुअर, अब देखो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं मैनुअर्स के बारे में। मैनुअर जो क्या होता है बच्चों, मैनुअर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी को, यानी कि उर्वरक सब्सटेंस होता है जो उसका उपज होने का क्षमता को बढ़ाता है मिट्टी का। ठीक है बच्चों, अब इसे हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एक्सक्रिएट एंड प्लांट्स वेस्टेज, यानी कि जो होता है एनिमल्स का जो एक्सक्रिएट होता है, यानी जैसे काउ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, और प्लांट्स का जो वेस्ट होता है ना, वहां से हम इसे प्रिपेयर करते हैं, किसे, मैन्यूअर का। इस तरह से ऑर्गेनिक है, इट कंजिस्ट ऑर्गेनिक, यानी कि ये जो क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंजिस्ट करता है, ऑर्गेनिक को कंजिस्ट करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी कि इसके अंदर से फंगस हो गया, अर्थवर्म, इसका जो है, इसकी जो है जर्मिनेशन ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट, यानी कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सारे जो प्लांट्स के लिए जो क्या हो, यूजफुल हो। ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दिन देखो हम लोग को पढ़ना था बच्चों, मैनुअर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसा, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड मैटर, हम बता रहे थे कि कैसे उसे प्रिपेयर करते हैं। और ये जो मैनुअर्स जो होता है बच्चों, ये हमारा इम्प्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर का, और इंक्रीजिंग करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, जो वाटर जो सॉइल के अंदर वाटर होल्ड करके रखे ताकि ज्यादा दिन तक पानी रहे, नमी मिट्टी के अंदर ज्यादा रहे, इसे बढ़ाता है मैनुअर। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ एडवांटेज है मैनुअर्स का, कि क्या क्या एडवांटेज है देखो मैनुअर्स का। तो मैनुअर जो होता है बच्चों, ये सबसे पहले फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसके बाद रिस्टोर सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल्स को कहा करता है रिस्टोर करता है, जितने भी मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है ना, उसे दोबारा से इसे ये रिस्टोर करता है, दोबारा स्टोर करता है। और ये जो क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स का। ठीक है, यानी कि जो पानी का क्षमता होता है ना, ज्यादा लॉसेस को उसे ये रिटेन करता है, इसके अंदर मॉइस्चर होता है ये। और ये जो होता है नॉन टॉक्सिक, यानी कि कोई नॉन टॉक्सिक मतलब क्या होता है, ज्यादा एसिड की मात्रा इसके अंदर नहीं होती, ये प्लांट हमारे लिए कोई हार्मफुल भी नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो होता है इको फ्रेंडली होती है, एंड रिसाइकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और रिसाइकल इसे हम दोबारा रिसाइकल करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के द्वारा। ये दी जा दी एडवांटेज ऑफ द मैनुअल्स, ये सारे कुछ एडवांटेज था मैनुअल्स का। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि क्या था मैनुअल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना। देखो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, हम दोनों दो चीज देखो, मैनुअर जो होता है बच्चों, हम लोग नॉर्मली फील्ड में इसका हम प्रोडक्ट, इसका जो है यानी कि इसका जो प्रोडक्शन है हम फील्ड में करते हैं, बट फर्टिलाइजर जो होता है बच्चों, उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन का हम लोग करते हैं फैक्ट्री में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा हो कि किस तरह से था। फर्टिलाइजर जो होता है देखो बच्चों, ये क्या होता है कमर्शियली, यही आपको हम बता रहे थे, फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, यानी कि क्या होता है कमर्शियली इसे हम लोग फैक्ट्री में करते हैं। ठीक है, ज्यादा इसका फसल बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दे रिजल्ट द हायर यील्ड एंड द हेल्दी प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को स्वस्थ होने के लिए और हायर यील्ड के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इफ अप्लाइड इन प्रॉपर डोज, हम इसे प्रॉपर डोज में करेंगे तो इनरिच द सॉइल विद द गुड अमाउंट ऑफ मोनोन्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब को मात्रा में, ज्यादा मात्रा में इसे क्या करता है बच्चों, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग हमें, जैसे अब हमें कुछ अलग अलग टाइप्स का हम लोग जो है फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और जो हम लोग न्यूट्रिएंट ज्यादा, जैसे हमें प्लांट्स का जिस टाइम हम लोग बीज बोते हैं, ठीक है बच्चों, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं पोटासियम वगैरह का, फॉस्फोरस का ज्यादा यूज करते हैं। आफ्टर चेंज जब थोड़ा प्लांट्स ग्रोथ हो जाता है, जब बढ़ जाता है, तो उसे हमें ग्रोथ होने के लिए चाहिए, प्लांट ज्यादा बढ़े इसके लिए देते हैं, तो वहां पे हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, तो इसलिए हम लोग यूरिया का यूज करते हैं, नीम कोटेड यूरिया का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यूरिया का में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होती है। आपको पता होगा कि प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए, प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन चाहिए। ओके, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि हम क्या आपको बता रहे थे। और उसके बाद जो था इसके, देखो इसका कुछ, इसका जो कुछ है स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज भी है, जो हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं ये हमारा सॉइल को ज्यादा एसिडिक बना देता है, उसका कारण इसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके वजह से क्या होता है वाटर पॉल्यूशन होता है, एक्सेसिव कैन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ा देता है ऑर्गेनिक, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है हार्मफुल होता है अभी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि हम क्या बता रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो कुछ हमारा फैक्ट था मैनुअर्स एंड फर्टिलाइजर के बीच में, तब देखो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंट बिटवीन मैनुअर एंड फर्टिलाइजर्स, आप लोग के क्वेश्चन भी दे रहे, आप लिख के हमें बताओगे भी। ओके स्टूडेंट्स, कि फर्टिलाइजर्स और मैनुअर के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तब बताएंगे मैनुअर जो क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है,
फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ऑर्गेनिक मतलब होता है कि जो हमारा जो चीज डिके हो गया या डिकम्पोज होता है उससे हम बनाते हैं। उसके बाद जो हम बता रहे थे बच्चों, ये जो होता है क्या होता है, ये जो होता है हमारा फील्ड में हम इसे तैयार कर सकते हैं खुद से हम, बट जो फर्टिलाइजर्स होता है उसे हम लोग कहाँ पे कमर्शियल पर्पस यानी कि फैक्ट्री में तैयार करते हैं। ये जो होता है हार्मफुल, ये जो होता है रेड बम हो गया या बैक्टीरिया का माइक्रोबियन का फॉर्मेशन ज्यादा करता, बट ये जो है इसके लिए जो फर्टिलाइजर्स है ये उसके लिए हार्मफुल है। इसके वजह से सॉइल पोल्यूशन, एसिड और वाटर पोल्यूशन की ज्यादा मात्रा होती है, ज्यादा अगर हम ज्यादा में यूज करेंगे तो। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, और हम आगे देखो पढ़ेंगे ये सारे डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग देखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग ज्यादा दिस डे पे हम लोग ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब खुद से मतलब कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए हम लोग किसान देखते हैं अलग अलग टाइप्स का क्रॉप्स जो है खेत में पहले लगाती है, फिर बाद में उसी को उस खेत में इसलिए लगाते हैं ताकि उसी से वो खाद तैयार हो सके। ओके, मैन्यूअर्स तैयार कर सके, बाद में उसके अंदर हम लोग फसल डालते हैं। हम जो बताए थे 2 महीने के बीच में टाइम्स होता है ना, ये जो रबी क्रॉप्स के बाद, ठीक है, जब खरीफ क्रॉप्स लगाते हैं तो उसमें हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। आप जो खास करके जो लोग हरियाणा या पंजाब से बिलोंग करते होंगे या कोई भी गाँव में है तो उससे उन्हें यूपी से अच्छे खास से उन्हें नॉलेज होगा, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए यहाँ से डायग्राम में देख सकते हैं क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये बता रहे थे कि जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज्यादा हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स हो गया या ये सब का बहुत ही कम मात्रा में हम लोग यूज करते हैं। इस वजह से क्या होता है प्लांट्स ताकि ज्यादा प्रॉपर क्या हो सके, ये रह सके सुरक्षित। ये देखो कुछ डायग्राम है इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। बाद में इसमें हम पानी डाल के या पलायन करके इसे हम क्या करते हैं डीके कर देते हैं, तो ये मैन्यूअर हमारा तैयार होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या हमें करना था। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, अब इरिगेशन, अब हमारा क्या आ गया बच्चों, इरिगेशन आ गया। इरिगेशन मतलब क्या हुआ, पेस्टिसाइड ये हम लोग फर्टिलाइजर्स ये मैन्यूअर्स भी डाल दिए, तब फसल तुरंत तैयार हुआ तो उसे हमें सिंचाई भी तो करना पड़ेगा, प्रॉपर वाटरिंग करना पड़ेगा, इसलिए इरिगेशन होता है। इरिगेशन जो होता है क्या होता है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। इरिगेशन यानी कि एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है, हम लोग इंश्योर करते हैं प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होता है उसका प्रॉपर ग्रोथ हो, उसलिए हम लोग पानी डालते हैं। अलग अलग टाइप्स का क्रॉप्स का जो होता है अलग अलग हम लोग जो है उसका पानी का यूज होता है, किसी में ज्यादा पानी लगता है वाटर लगता है किसी में कम, तो उसके हिसाब से हम लोग इरीगेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें जैसा कि पता है कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एज इट हेल्प द जर्मिनेशन ऑफ सीड एब्जॉर्प्शन एंड डिजॉल्व द न्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस रेगुलेशन इटीसी। यानी कि जो पानी है जो बच्चों क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, और जब वाटर नहीं लेगा तो प्लांट्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डेट्स वाई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉपर के लिए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हो गया या रेगुलेशन। इरिगेशन इज वेरी मच नीडेड इन इंडिया ड्यू टू इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, खास करके इंडिया जो हमारे कंट्री है यहाँ पे इरिगेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेन जो है बारिश जो है हमेशा रेगुलर नहीं हो पाती है। इस वजह से हम लोग को जो है इफ एग्रीकल्चर इज लेफ्ट डिपेंडेंट ऑन द रेन सीजन ऑफ द ईयर, यानी कि हमारा जो है रेनी सीजन के ऊपर ही हम लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जो इट इज सफरिंग ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इन द ईयर, यानी कि जब जैसे बरसात के मौसम में हम लोग जो उगाते हैं जो रबी क्रॉप होता है वहां पे तो हो गया, बट जो अभी खरीफ क्रॉप अभी बट जो रबी क्रॉप उगाएंगे गेहूं वगैरह होगा तो उसमें हमें बारिश नहीं होता, इस वजह से हम लोग इरीगेशन का यूज करना पड़ता है। कुछ हम लोग अलग अलग मेथड पढ़ेंगे इरीगेशन का। ये देखो कुछ गांव का मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पुराना मेथड है, हम लोग किस तरह से यूज करते थे इरीगेशन का करते हैं, और फिर मॉडर्न मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो कुछ है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, पहले के जमाने में हम लोग किस तरह से यूज करते थे। पहले के जमाने में जो था बच्चों या ट्रेडिशनल मेथड अभी भी जो है कहीं कहीं यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन मेथड जैसे हम लोग यूज करते हैं वाटर रिसोर्सेज, जैसे पानी कहाँ से स्रोत पानी का कहाँ क्या आता है, वेल्स कुआं हो गया, कैनाल्स नहर हो गया, रिवर यानी कि नदी हो गया, टैंक्स हो गया, ये सब अलग अलग पर्पज था हम लोग यूज करते थे। बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड इरीगेशन का जैसे वेल हो गया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जमीन का पानी से निकालना कुआं से, टैंक जो था एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर होता था जहां पे हम लोग पानी स्टोर करके रखते फिर वहां से हम लोग इरीगेशन पर्पज के लिए से हम यूज करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ यहाँ पे देखो दे रखा है कुछ जो था द सर्टेन डिस, अब जो कुछ डिसएडवांटेज था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन में यहाँ की, यानी कि जो पहले के जमाने में हम इरीगेशन करते थे, बहुत ज्यादा टू मच ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लगता था लेबर लगता है, लेस इफिशियंट ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर,
प्रॉपर ज्यादा मतलब हमारे लिए ना ज्यादा ये सही नहीं था, क्योंकि पानी का प्रॉपर जो है ना प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था फसल में, थोड़ा थोड़ा जाता था पानी, कहीं गया तो कहीं नहीं जा पाया था, तो डेट्स वाई ये बहुत ही हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं था, ठीक है। बट उस टाइम हमारी इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बट अभी टेक्नोलॉजी आ गया इस तरह से और बहुत सारे मेथड आ गया, ठीक है, अलग अलग इक्विपमेंट्स आ गया, तो इसके बाद से हम लोग अब जो है हमारा थोड़ा आसान हो गया इरीगेशन का। तो जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मतलब जो अभी का मेथड है, हम क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन बींग एबल टू ओवरकम द लिमिटेशन एंड ट्रेडिशनल मेथड एंड इनकरेज दिस डे सम द मॉडर्न मेथड ऑफ द इरीगेशन आर। अभी जो मॉडर्न मेथड है इरीगेशन का बच्चों, वो ज्यादा ही क्या है यूजफुल एज कम्पेयर टू मॉडर्न ट्रेडिशनल मेथड, तो हम लोग ज्यादा इसका यूज करते हैं। कुछ जो मॉडर्न मेथड है, सबसे पहले स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम्स क्या होगा बच्चों, जैसे आप लोग पार्क वगैरह में देखते होंगे या खास करके क्रिकेट स्टेडियम हो गया, तो वहां पे फुहारा एक तरह से आप समझ रहे हैं ना, फुहारा तो हर एक अलग डिस्टेंस पे लगा हुआ होता है, पाइप नीचे उसके अंदर कनेक्टिविटी होती है, हम वहां से एक जगह से ट्यूबवेल ऑन करते हैं तो पाइप के थ्रू तो घूम घूम के पानी इस तरह से जाता है। जैसे एज पर आप लोग यहाँ पे देखो डायग्राम में देख पा रहे होंगे बच्चों, डायग्राम में देखो इस तरह से देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये जो हमारा क्या है इरिगेशन मेथड है, इरिगेशन मेथड है, ठीक है। यहाँ पे नोजल्स हमारा लगा होता है और जो घूमते रहता है, इन दिस सिस्टम दे आर परपेंडिकुलर पाइप होता है, रोटेटिंग नोजल को घुमाते रहता है, जिसमें से पानी भी क्या होता है हर एक साइड घूमते रहता है, तो प्रॉपर हरे इतना से हम अलग अलग नोजल्स लगा रखते हैं कि यहाँ का पानी वहां का प्रॉपर पूरा जितना आसपास का लैंड को कवर कर सके। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। नेक्स्ट जो था बच्चों ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है बच्चों, हम लोग जितना जहां भी, जैसे ड्रिप सिस्टम जो होता है वाटर फॉल्स ड्रॉप्स वाज नियर द रूट्स, हम रूट्स के आसपास ही हम लोग क्या करते हैं वाटर्स को ड्रॉप यानी कि छोड़ते हैं पाइप के थ्रू, देन फिर इस वजह से क्या होता है जो पानी का जो वेस्टेज होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि क्या था क्या था। देखो ये दे रखा कि इन दिस सिस्टम वाटर फॉल द ड्रॉपलेट्स वाय नियर द रूट्स, देयर फोर देर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कोई वेस्टेज नहीं होती, इसकी वजह से ये मेथड जो होता है एरिया विद द लेस वाटर, यहाँ पे जहाँ पे पानी की कम हो, ठीक है, कम जो कम जैसे पानी की जहाँ कम है पानी वहाँ पे हम फसल, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं कि जितना जितने में प्लांट्स है प्लांट्स के रूट तक ही पानी डालते हैं और ज्यादा में नहीं, क्योंकि इससे हमारा पानी का लॉस भी कम होता है और प्लांट्स की ग्रोथ भी प्रॉपर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम क्या था। मॉडर्न मेथड जो था ज्यादा इफिशियंट है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड के कम्पेयर में मॉडर्न मेथड जो क्या है ज्यादा इफिशियंट है, ज्यादा आसान है और इसमें कम लेबर कॉस्ट भी लगता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या था हमारा, कि किस तरह से हम लोग पढ़े थे। और बाकी जो हम लोग अब पढ़ेंगे बच्चों, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्रीड्स, फिर हार्वेस्टिंग हो गया, फिर स्टोरेज हो गया, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से पढ़े थे क्या था। तो फिर भी कोई डाउट होता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपका डाउट, जो वहां पे हम लोग क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।